हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मसाला खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही ये हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये मसाला खिचड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सबसे पहले हम एक गैस पे प्रेशर कुकर रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। कुकर गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे फोरन। तो हम यहाँ पे 2 तेज पत्ती, 1 दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 लौंग, 5 से 7 काली मिर्च, 2 सूखी मिर्च और 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे एकदम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। इससे क्या होता है, खड़े मसाले का सारा आरोमा जो है वो घी में आ जाता है। फोरन अपना ब्राउन हो चुका है, हमें इसे काला नहीं होने देना है। तो ध्यान रहे, हम फोरन एकदम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे, तभी सारे फ्लेवर्स जो है घी में आता है। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज कटा हुआ डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसे हमने 2 ही मिनट तक भूना है। अब हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट और इसे भी 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, प्याज लहसुन अदरक अपना भून चुका है, इसका हल्का सा कलर ब्राउन होना शुरू हुआ है। हमें ज्यादा ग्रेवी के जैसे डार्क नहीं करना है, हल्का ही होने देना है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 आलू जिसे हमने मीडियम साइज में काट लिया है। तो 1 आलू हम इसमें डाल देंगे, साथ में हम 1 मीडियम साइज बैगन को भी काट लिया है और 1 बड़ा गाजर को भी हम साथ में डाल देंगे जिसे हमने मीडियम टुकड़े में काट रखा है। साथ में हम कुछ दूधी के टुकड़े डालेंगे और इसे चला लेंगे। अब हम डालेंगे फूल गोभी जिसे हमने गर्म पानी से धो के छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। गर्म पानी से धोना पड़ता है क्योंकि गोभी में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े फंसे रहते हैं। 1 पॉम्किन यानी कि इसे पीला कद्दू कहते हैं, कोई कुहड़ा कहता है, तो ये भी हम छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल देंगे। साथ में हम 4 हरी मिर्च को बीच से काट लिए हैं, उसे भी डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1 कटोरी मटर, इसे हमने ताजा मटर को छील के तैयार किया है तो इसे भी डाल देंगे। अब सारी सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से घी में भूनेंगे। घी में भून जाने के बाद सब्जियों का टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। सब्जियों को हमने 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और टमाटर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और खिचड़ी है तो इसमें हल्दी भी अच्छी होनी चाहिए। हल्दी डालेंगे क्योंकि खिचड़ी की कलर पीला होना चाहिए। और अब हम डालेंगे नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार हम डालेंगे क्योंकि ये खिचड़ी है, तो यहाँ पे हम 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब सारे सब्जी के साथ हम मसाले को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक और पकाएंगे।
सब्जी और मसाले को हमने पका लिया है, इसे गलने नहीं देना है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे चावल। तो हमने एक ग्लास मंसूरी चावल को धो लिया है। यहाँ पे आप कोई भी छोटे दाने का चावल डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल हमें भिगाना नहीं है, चावल को हम तुरंत धोएंगे और कुकर में डाल देंगे। आधे ग्लास दाल को हमने धो के आधे घंटे पहले भिगो दिया था। ये तुअर की दाल है तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे और हम पानी के साथ ही डालेंगे क्योंकि ये दाल वाली पानी है। हमने दो बार पहले ही धो रखा था। अब हम सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल दाल हमने सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमने इसी ग्लास से एक ग्लास चावल लिया था, इसी ग्लास से नाप के हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक ग्लास दो ग्लास और एक ग्लास में हमने दाल भिगोया था, यानी कि टोटल यहाँ पे हम तीन ग्लास पानी यूज किए हैं। अब हम खिचड़ी को मिक्स कर देंगे और इसे ढक्कन लगा लेंगे। तो अब हम ढक्कन लगा देंगे और तेज फ्लेम पे हम इसे एक भीसिल आने तक पकाएंगे। बाद के 15 मिनट हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। भीसिल आने के बाद हमने 10 मिनट तक खिचड़ी को एकदम स्लो फ्लेम पे पका लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और प्रेशर को अपने आप निकलने देंगे। कुकर से प्रेशर निकल चुका है, अब हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। तो हम ढक्कन को ऐसे खोल लेंगे। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया कलर, कितनी अच्छी खुशबू अपनी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर जिसको पानी की जरूरत पड़े तो इसमें गर्म पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर सूखी खिचड़ी पसंद है तो ये परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक ग्लास गर्म पानी और ऐड कर रही हूँ। अब हम खिचड़ी सर्व करने से पहले एक तड़का डालेंगे। तड़का डालने से खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसे ढक के गैस से उतार लेते हैं कि तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे हमने एक तड़का पैन रख लिया है, गैस को ऑन कर लिया है। तड़का पैन गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, और हम आधा चम्मच हींग डालेंगे। इसे अच्छे से हम तड़कने देंगे। घी के साथ जीरा अपना चटकने लगा है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे कड़ी पत्ता और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। कड़ी पत्ता का फ्लेवर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो जीरा और हींग से भी तड़का दे सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए जीरा कड़ी पत्ता अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम खिचड़ी की तरफ चलते हैं। तो खिचड़ी का ढक्कन हम हटा लेंगे और इसे फैलाते हुए तड़के को डालेंगे और हम तुरंत कवर करके 2 मिनट तक छोड़ देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम खिचड़ी सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी इसका मस्त है। अब हम इसे सर्व करेंगे। कितनी बढ़िया खिचड़ी तैयार हुई है। अब हम खिचड़ी के ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा घी। घी के बिना तो खिचड़ी का टेस्ट अधूरा रहता है। तो ये अब अपना परफेक्ट मकर संक्रांति स्पेशल मसाला खिचड़ी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये मसाला खिचड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।